नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंदौर से फिर एक बार दुष्कर्म की घटना आई सामने, जहां बाणगंगा में रहने वाले 2 साल की बच्ची से युवकों ने किया दुष्कर्म करने का प्रयास। बड़नगर में अखिल भारतीय सनातन धर्म समाज पुजारी समिति ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एसडीएम कार्यालय का किया घेरा। 30 सितंबर को भोपाल में होने वाली क्रांति रैली को लेकर काला पीपल में सपा समाज ने बैठक आयोजित कर लगाए नारे। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र लाड़कुई में भाजपा पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक रूप से इस्तीफा। इंदौर से फिर एक बार दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां बाणगंगा में रहने वाली 2 साल की बच्ची से पड़ोस में ही रहने वाले युवक लकी खत्री ने खिलाने के बहाने दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक लकी खत्री बच्चे को खिलाने के बहाने उसके घर में ले गया था और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मौके पर पहुंची मां ने यह सारा वाकया देखा और बमुश्किल बच्चे को बचाया, जिसके बाद मां ने इस मामले में रिपोर्ट लिखाना चाही तो मकान मालिक प्रदीप रायकवार ने उन्हें रोका और राजीनामा करने को कहा। पिता के घर पहुंचने पर ही सारे मामले की शिकायत करने दंपत्ति बाणगंगा थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल के संज्ञान में लेते हुए मामले में रिपोर्ट दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो गया था काम पे, मेरी बच्ची के साथ में एक लड़के ने, जो मेरे नीचे रहता है मकान मालिक के इधर नीचे किराए से, उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ी और गलत हरकत करने की गलत बुकरा उसने इल्जाम ऐसा करा। मेरी मैसेज आई मौके पर, उसने देख लिया और उसको उस गलत करने से उसको देखा बचाया। ये बाणगंगा में रहने वाले एक दंपत्ति ने आकर अभी रिपोर्ट किया है थाने में कि उनकी 2 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले लकी खत्री नाम के आदमी ने खिलाने के बहाने ले गया था तथा छेड़छाड़ किया था और उसकी बच्ची की मां ने देख लिया था इस घटना को, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है और मकान मालिक ने राजीनामा कराने की कोशिश किया था, रिपोर्ट लिखाने से रोकने का प्रयास किया था, तो इसमें मकान मालिक को भी आरोपी बनाया गया है और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंदौर से गुलाब यादव की रिपोर्ट। जहां समूचे मध्य प्रदेश में सभी वर्ग द्वारा आंदोलन चरम पर है, इसी बीच एक और पुजारियों के वर्ग अखिल भारतीय सनातन धर्म समाज पुजारी समिति ने अपनी आवाज बुलंद कर बड़नगर में अपनी मांगों को लेकर बड़नगर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। इस मौके पर अखिल भारतीय सनातन धर्म समाज के पुजारी सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। पुजारियों की मांग थी कि पुजारियों का मानदेय जो शासन द्वारा दिया जाता है वो उन्हें 3 माह से नहीं दिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आक्रोशित पुजारियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रभारी आरआई धर्मेंद्र पवार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन सब मांगों का जिक्र किया गया है। अगर शासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पुजारी परेशान हो रहे हैं और पुजारियों का 2015 का जो परिचय कार्ड बनने का आदेश है उसका भी पालन नहीं हो रहा, और पुजारियों के कलेक्टर साहब व्यवस्थापक नाम की डायरी बननी है वो भी नहीं बन रही है, उसमें पुजारी तोजी जो बढ़ती है तो उसमें एंट्री नहीं होती है, इसी कारण वो डायरी बनना जरूरी है। 2015 का मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास जी का आदेश है। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच सपाक्स समाज ने भोपाल में सपाक्स कांत्री रैली का आयोजन 30 सितंबर को रखा है, जिसमें समाज के लोगों को बड़ी संख्या में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है, जिसमें काला पीपल के सपाक्स समाज ने बैठक आयोजित कर नारे लगाए, देखो मामा कौन आया है, माइके लाल उठो माइके लाल, तुमको बुला रहा भोपाल। देखिए रिपोर्ट। सपाक समाज पदोन्नति में आरक्षण एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर आगामी 30 सितंबर को भोपाल में आयोजित होने वाले सपाक्स कांत्री रैली में सम्मिलित होने के लिए सपाक्स समाज काला पीपल की बैठक का आयोजन पंचमुखी हनुमान मंदिर में किया गया।
बैठक की अध्यक्षता बद्रीलाल चौहान ने की। सपाक्स समाज प्रमुख डॉक्टर सुभाष शर्मा ने भोपाल में आयोजित होने वाले सपाक्स कंट्री रैली के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस महा आंदोलन में सम्मिलित होने की अपील की। साथ ही सपाक्स क्रांति रैली में पहुंचने हेतु व्यापक रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपाक्स जन सम्मिलित हुए। एट्रोसिटी एक्ट जो पास किया गया है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण में प्रमोशन में जो आरक्षण खत्म किया है उसके विरोध में गेंद मध्यप्रदेश सरकार के पाले में डाल दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है तो हमारा सपाक समाज के सभी साथियों का ये निवेदन है सरकार से कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दें और जो एट्रोसिटी एक्ट पास किया गया है ये काला कानून है। इसमें समाज में वर्ग संघर्ष पैदा होगा और देश में अराजकता की स्थितियां पैदा होगी। इस एट्रोसिटी एक्ट को वापस करने के लिए और प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, इसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश से भोपाल में महाक्रांति रैली सपाक समाज ने आयोजित की है। माइके लाल शब्द का बहुत बार प्रयोग हो रहा है, क्या इसका अर्थ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजाक्स की मीटिंग में खुले शब्दों में ये चैलेंज किया था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता। इस संबंध में सारे सपाक समाज में घोर विरोध है और सारा समाज इससे उग्र हो चुका है। समाज अब चैलेंज कर रहा सरकार को कि हम माई के लाल हैं, हम इस काले कानून का इस नियम का हम विरोध करेंगे। ये हमारा बिल्कुल रणनीति चल रही है। सपाक समाज मध्य प्रदेश की 200 सीटों पर ही चुनाव के अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा और बिल्कुल हम सरकार से हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। जिनने संसद में बैठ के एट्रोसिटी को पास किया है हम उसके विरोध में सपाक समाज के साथ हैं। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा चुनाव गले की हड्डी बनता जा रहा है। कहीं लोगों द्वारा उनका विरोध उनके ही विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है तो कहीं उनकी ही पार्टी द्वारा उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं नसरुल्लागंज के गांव लाड़कुई में 3000 के लगभग भाजपा पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया। साथ ही 3 दर्जन से अधिक ग्राम के ग्रामीणों ने एक साथ चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि लाड़कुई में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस की कार्यवाही से नाराज एक पक्ष के लोगों ने आज लाड़कुई बंद का आह्वान किया था। उस दौरान पुलिस और प्रशासन का भारी बल बड़ी संख्या में गांव में मौजूद था। ऐसे में गांव आए सिलाई कढ़ाई बोर्ड के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी की समझाइश को ग्रामीणों ने अस्वीकार कर दिया और गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी को वोट न देने की धमकी तक दे दी। बेबस बोर्ड अध्यक्ष माहेश्वरी ग्रामीणों की गुस्सा तो देखकर वहां से रवाना हो गए। सीएम के विधानसभा क्षेत्र होने से ये मामला बीजेपी के लिए गले की हड्डी जरूर बन गया है। दिया और वो भी घटना के 4 दिन बाद। इसलिए दिया हमने कि पार्टी के लोगों को हमने बार बार फोन करने की कोशिश की लेकिन हमें एक भी पदाधिकारी से हमें कोई संतुष्ट जवाब ना उनने फोन ले उठाने की कृपा की। हमें इस बात का दुख हुआ कि ये गुरुजी भाटी जी और जितने भी वर्तमान में पदाधिकारी हैं, मैं इनके कई सालों पहले से पार्टी काम कर रहा हूँ। जब हिंदू महासभा के लिए कृष्णकांत जोशी चुनाव लड़े थे उस समय मतलब जनसंघ था ही नहीं। मैं कक्षा 8वीं से था जब से मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूं और आज तक भी एक पहाड़ चढ़ एक उतर पैदल। आपने इन नेताओं को फोन लगाया जी, इनका जवाब कुछ भी नहीं आया। इनका जवाब कुछ भी नहीं आया, कोई यहाँ लाड़कुई में आया ना कोई आया। हमारे दर्द को सुनने और जानने के लिए इस क्षेत्र के जितने भी हिंदू हैं उनकी जो दुखित और द्रवित थे और जिनको पुलिस अकारण हमारे लोगों को ले गई, क्या हमने उनके भी हाथ पैर जोड़े? जो पुलिस के मुख्य अधिकारी थे कि भाई साहब इन्हें छोड़ो, इनका गुनाह क्या है, इनने करा क्या है? हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और अगर ज्यादा ही है तो आप लोग हमारे मंदिरों में ताला लगवा दो, क्योंकि
जिस भगवान राम के नाम से बीजेपी सारे राज्यों में और केंद्र में जाके बैठी है, उसी राम नाम के कारण आज हमें ये दुख झेलना पड़ा। दल महामंत्री पदायद्वान कार्यकर्ता हूँ। पिछले 12 साल से मैं अपनी ईमानदारी निष्ठा से भाजपा का काम कर रहा हूँ। 3 दिनों के घटनाक्रम के बावजूद मुझे महसूस हुआ, मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को सबको सूचित कर दिया, भाई साहब ऐसी समस्या लालकुई में पैदा हो रही है, आप हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, लेकिन उनकी तरफ से मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए मुझे बहुत ठेस पहुंची और मेरे साथ जो भी जितने युवा मोर्चा कार्यकर्ता है सभी को बहुत ठेस पहुंची है और सही से संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। शासन ने एक तरफा कार्रवाई करी है, इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और मेरे खुद के निजी स्वार्थ के हटके मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं दिनेश महेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उपाध्यक्ष, पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी की पद सदस्यता से और सारे पदों से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हिंदुओं की कोई सुनने समझने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मतलब ये अशांति फैली हुई है एक वर्ग विशेष के द्वारा, मतलब हम हिंदुओं पर मतलब हथियारों से मतलब हमला करने की कोशिश की गई, और हमारे जो ग्राम प्रधान है उनका आज तक 4 दिनों में यहाँ पे पता नहीं है, वो कभी सामने नहीं आए, कभी शांति बनाने की कोशिश नहीं की। तो मैं ग्राम प्रधान, हमारे ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह जी मालवीय इस्तीफा दे रहा हूँ। कारण कल विगत दिनों जो घटना घटी ग्राम लाड़कोई में, उससे हम सब युवा वर्ग को बहुत दुख हुआ, हिंदू सभी युवा वर्गों को बहुत पीड़ा हुई है। कारण यह रहा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा अनंत चतुर्दशी के अवसर पर जो श्री गजानंद भगवान का जुलूस निकल रहा था, उसमें काफी व्यवधान उत्पन्न किया, धारदार हथियारों से हमला करने का प्रयास किया, कई गाली गलौचे की, कई कारणों से हमें मतलब पीड़ा पहुंचाई गई और हमें दिल को ठेस पहुंची, और हिंदुओं के जो त्यौहार थे उसमें व्यवधान उत्पन्न किया। इसके लिए हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ नसरुल्लाह के और आगे जो भी वरिष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ नेता है, उन लोगों के पास गुहार लगाई, लेकिन उसके लिए उन्होंने हमारी एक न सुनी और हमें ही उसका गलत साबित किया गया, हमें ही उसके लिए दोषी ठहराया गया। राघोगढ़ में मक्का मदीना की यात्रा से लौटे हाजियों का राघोगढ़ आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। वहीं समाज सेवी डॉक्टर खलील अहमद पठान एवं उनकी पत्नी शकीला बानो का हिंदू मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। बीते माह 45 दिन की हज यात्रा पर राघोगढ़ से हज यात्रा के लिए रवाना हुए यात्री जब वापस लौटे तो उनका मुस्लिम एवं हिंदू समाज के लोगों ने साफा बांधकर फूल मालाओं के साथ ही आतिशबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। रामनगर तिराहे पर मुस्लिम समुदाय के अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी पुरुषोत्तम शर्मा एवं भाजपा के कैलाश सुमन सहित कई लोगों ने डॉक्टर खलील अहमद पठान एवं उनकी पत्नी ढोल धमाकों के साथ गृह नगर में प्रवेश करवाया। राघोगढ़ से आनंद व्यास की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।